केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने निम्बू पद्म दर्चा सड़क संपर्क पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जो सभी मौसमों में लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों के लिए संपर्क प्रदान करेगी। चीन के साथ पिछले 33 महीनों से लगातार जारी गतिरोध के बीच सरकार ने इस सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी है। ये सुरंग सीमा पर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि सुरंग के निर्माण का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी और ये सभी मौसमों में लद्दाख के लिए सड़क संपर्क को सुगम बनाएगी। ये इस केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा। ठाकुर ने बताया कि ये परियोजना सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इससे सुरक्षा बलों को इन इलाकों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। मनाली दर्चा पद्म निम्बू के रास्ते पर समुद्र तल से 16,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनने वाली ये सुरंग चीन या पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल या तोपों की फायरिंग से भी सुरक्षित होगी और सुनिश्चित करेगी सैनिकों और भारी हथियारों को तेजी से आगे के इलाकों में पहुंचाया जा सके। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन करेगी। बता दें कि मई 2021 में रक्षा मंत्रालय ने BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के बीच लंबी खींचतान के बाद 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। BRO ने जबकि छोटी सुरंग का प्रस्ताव दिया था, वहीं NHIDCL ने 12.7 किलोमीटर की सुरंग कनेक्टिविटी का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के अनुसार छोटी सुरंग के साथ योजना में आगे बढ़ने का एक मुख्य कारण चीन से खतरे के सामने परियोजना को जल्द पूरा करना है। हालांकि BRO ने 2019 में दर्चा पद्म निम्बू पर बिटुमिनस परत बिछा दी थी, लेकिन शिंकुन ला में भारी बर्फ के कारण सर्दियों के महीनों में इस सड़क का उपयोग अभी नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।